गाइस, आपने स्कीइंग गेम के बारे में सुना है? सुना होगा और नहीं सुना तो देखा तो जरूर होगा, जिसमें एक लकड़ी के पट्टे पे खिलाड़ी बर्फ के ऊपर यानी कि आइस के ऊपर स्लाइड करता है। अब ये एक इंडियन गेम तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो कौन सी पहली भारतीय महिला है जिसने इंटरनेशनली भारत को पहली बार कोई पदक दिलाया हो स्कीइंग में, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। उस महिला का नाम है आंचल ठाकुर, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में सन 2018 में इंडिया को पहली बार स्कीइंग में कोई इंटरनेशनल पदक दिलाया, और वो भी ब्रोंज मेडल उन्होंने अपने नाम किया था, और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें मुबारकबाद भी दी थी। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बॉलीवुड की फिल्मों के लिए आज 100 करोड़ का बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बॉलीवुड की वो कौन सी ऐसी पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे पहले 100 करोड़ के बिजनेस के आंकड़े को पार किया था, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। वो फिल्म थी मिथुन दा की डिस्को डांसर, जिस फिल्म ने मिथुन दा को इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में, स्पेशली रशिया में और चाइना में स्टार बना दिया था। चाइना में तो इस फिल्म के एल्बम को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया था, और वहां के नर्सरी स्कूलों में प्रेयर के साथ साथ इस फिल्म के गाने जिमी जिमी को गाया जाने लगा था, और लॉजिक ये दिया गया था कि इस गाने को गाने से बच्चों की जुबान साफ होगी और वो चाइनीज अच्छे से बोल पाएंगे। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, आपने अभी तक गैस के सिलेंडर भारी भरकम स्टील या लोहे के बने देखे होंगे, लेकिन हमारे आसपास इतना सब कुछ चेंज हो रहा है, तो क्या गैस के सिलेंडर का रूप चेंज नहीं होना चाहिए? फिकर नॉट गाइस, क्योंकि अब इंडेन आपके सामने नए तरह के गैस सिलेंडर लेकर आ चुका है, जो कि बने हैं फाइबर के। आप ठीक सुन रहे हैं, जहां पुराने सिलेंडर स्टील के बने होते थे वो काफी ज्यादा भारी होते थे, लेकिन नए सिलेंडर अब फाइबर के बने हैं, जो कि उससे 50% तक हल्के होंगे। मजे की बात यह है कि उनका कुछ हिस्सा पारदर्शी होगा, जिसके थ्रू आप आसानी से गैस के लेवल का पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी गैस बची है, और ये आपको अलग अलग कलर्स में मिलेंगे, इसलिए रसोई में रखे हुए काफी अच्छे लगेंगे, और ये फाइबर के बने हैं इसलिए सुरक्षित भी होंगे। गाइस, आपको फाइबर के सिलेंडर के बारे में जानकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, इससे आपको कैंसर भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसकी लत लग जाती है और फिर छुट्टी नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ तुर्की के इब्राहिम युकेल के साथ। वो अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था, बहुत परेशान हो चुका था। तो उसने एक तरीका निकाला, उसने हेलमेट के जैसा अपने सिर के लिए एक केज बनवाया, और जब भी वो ऑफिस जाता उस केज को पहन के जाता और उस ताले की चाबी को अपने वाइफ को देके जाता। अब चाहकर भी वो सिगरेट नहीं पी पाता, क्योंकि उस केज की चाबी एक्चुअली उसके वाइफ के पास होती थी। इस तरह से उसने अपने एडिक्शन को कम कर लिया। लत छुड़वाने के इस अजीबोगरीब तरीके के लिए आप क्या कहेंगे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मुंबई का धारावी इलाका, जहां के लोगों के लिए अक्सर लोग बात क्या करते हैं कि वहां के लोगों को ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, कुछ स्टाइल नहीं होती। अगर उस इलाके से निकल के एक लड़का अपनी ड्रेसिंग सेंस और अपनी हेयर स्टाइल के बलबूते पे लोगों को इंप्रेस करके इंस्टाग्राम पे 2.5 मिलियन फॉलोवर्स कर ले, तो उस बंदे के लिए एक बार बात करना तो बनता है। बंदे का नाम है समीर मार्क, जिसने 2016 में मात्र 2000 रुपए के सेकेंड हैंड फोन से अपनी पिक्स को खींचना शुरू किया और इंस्टाग्राम पे अपलोड करना शुरू किया। अपने नाम के पीछे मार्क इसलिए लगाया क्योंकि वो बंदा चाहता था कि एक दिन वो अपनी हेयर स्टाइल और अपनी ड्रेसिंग सेंस का मार्क दुनिया पे छोड़े, और उसने वो करके दिखा दिया। तो उस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि भारत देश के हर सिक्के के सन के नीचे एक ऐसा निशान बना होता है जिसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिक्का कहां पे ढाला गया है? जी हां गाइस, अगर डायमंड बना हो तो ये सिक्का मुंबई में ढाला गया है, अगर डॉट बना हो तो ये सिक्का नोएडा में ढाला गया है, अगर स्टार बना हो तो ये सिक्का हैदराबाद में ढाला गया है, और अगर कुछ भी नहीं बना हो तो ये सिक्का कोलकाता में ढाला गया है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।